अलैकुम, मैं हूँ तैयब तैमूर। आज आपकी खिदमत में पेश नज़र है सात मरले का कुशादा घर, जिसकी डायमेंशन 30x52 फिट है। एलिवेशन आप देख सकते हैं, खूबसूरत किस्म का बनाया गया। गेट के साथ सिल्वर कलर की CNC लगाई गई है, आप चेक कर सकते हैं। रोड की बात करें तो आप देख सकते हैं, रोड भी तकरीबन 12 से 15 फुट वाइड है। रैंप की तरफ चलते हैं, रैंप आपको दिखाते चलें। टफ टायर लगी हुई है इसके ऊपर, देख सकते हैं आप। अंदर एंटर होते साथ ही आपको नज़र आ रही होगी, फ्लोरिंग चेक करें, खूबसूरत किस्म की कम्बिनेशन की गई है। निश बनाई गई है, आप देख सकते हैं, नीचे बॉटम से टॉप तक खूबसूरत किस्म की कलर कम्बिनेशन, डार्क ब्राउन जो कि मेन गेट के साथ इन्होंने कम्बिनेशन की है। सीलिंग आप चेक कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं इसके अंदर, खूबसूरत किस्म की बनाई गई है। सामने आपको एक मेन डोर नज़र आ रहा होगा जो कि मेन बिल्डिंग का डोर है। लेफ्ट साइड पे 5 फीट वाइड ओपन टू स्काई गैलरी है जो कि बिल्कुल ओपन है। एलिवेशन में आप देख सकते हैं कि ये वुडन टेक्सचर की टाइल इस्तेमाल की गई है इसके अंदर। अंदर की जानिब लेके चलते हैं आपको। अंदर एंटर होते साथ ही आपको एक ये डोर नज़र आ रहा होगा जो कि टीवी लाउंज की तरफ जाता है। टीवी लाउंज के साथ ही एक और डोर है, ड्राइंग रूम का डोर। ड्राइंग रूम के डोर के बिल्कुल ऑपोजिट सामने आपको नज़र आ रहा होगा पोर्टर बाथ, पोर्टर रूम जिसको बोला जाता है। आपको इसका व्यू दिखाते चलें। इंडियन सीट का इस्तेमाल किया गया इसके अंदर, बेसन लगा हुआ है, मिरर लाइट इस्तेमाल की गई है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर एक स्टोर बनाया गया है बाथरूम के अंदर ही बाथ की चीज़ें रखने के लिए, आप देख सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर मौजूद है इसके अंदर। ड्राइंग रूम की जानिब जाते हुए फ्लोरिंग आप चेक करें, खूबसूरत किस्म की इस्तेमाल की गई है। कलर कम्बिनेशन, टाइल का कम्बिनेशन खूबसूरत है। ड्राइंग रूम में एंटर होते साथ आपको सामने एक निश नज़र आ रही होगी जिसके अंदर स्टोन टेक्सचर इस्तेमाल किया गया है, स्टोन की टाइल। सीलिंग देखें, सीलिंग खूबसूरत तरीन टेक्सचर के साथ मौजूद है। इधर सामने आपको विंडो नज़र आ रही होगी जो कि फ्रंट गैलरी में ओपन होती है, देख सकते हैं आप। टाइल चेक करें, स्टोन टेक्सचर के साथ बनाई गई है। ड्राइंग रूम के साथ ही बिल्कुल डाइनिंग रूम है जो कि टीवी लाउंज में ओपन होता है। सीलिंग आप चेक करें, खूबसूरत टेक्सचर के साथ बनाई गई है। सामने आपको दो मिरर नज़र आ रहे होंगे जो कि नीचे बॉटम से टॉप तक फुल लेंथ है। बैक वॉल आप चेक करें, खूबसूरत, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा लाइट कलर इस्तेमाल किया गया इसके अंदर। ड्राइंग रूम के साथ ही यह आपको टीवी लाउंज नज़र आ रहा होगा। टीवी लाउंज की जानिब चलते हुए टीवी लाउंज की फ्लोरिंग चेक करें, खूबसूरत टाइल का इस्तेमाल किया गया इसके अंदर। टाइल के साथ बैक वॉल आप चेक करें। सीलिंग की बात की जाए तो सीलिंग खूबसूरत टेक्सचर के साथ बनाई गई है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे LCD लगाएंगे, देख सकते हैं, खूबसूरत टेक्सचर के साथ टाइलिंग इसके ऊपर की गई है। जो ड्रॉ बनाए गए हैं वो भी हाइड्रोलिक हैं, आप देख सकते हैं। टीवी लाउंज के बिल्कुल साथ आपको नज़र आ रहा होगा किचन, ओपन किचन है, आप देख सकते हैं। ओपन किचन में आप अगर देखें
तो खूबसूरत किस्म की सीलिंग इस्तेमाल की गई है इसके अंदर। सीलिंग के साथ साथ इसमें ज़रूरतें ज़िंदगी के तमाम एक्सेसरीज़ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक खाने में ओवन लगाया जाएगा और दूसरे में माइक्रोवेव जैसी कोई चीज़ रखेंगे इसके अंदर। आप देख सकते हैं प्योर हाइड्रोलिक है। चेक कर सकते हैं आप, खूबसूरत हुड चेक करें, हुड भी प्योर कंपनी की लगाई गई है। सिंक सिंक मिक्सचर देखें, एसेसरी मौजूद है तमाम किस्म की साइड पे भी। ओपन किचन के साथ ही बिल्कुल एक क्लोज किचन में दो किचन बनाए गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे। किचन में एंटर होते साथ ही आपको नज़र आ रही होगी सामने चूल्हा, चूल्हे के ऊपर एक हुड लगाई गई है। हुड के साथ साथ यहाँ पे सीलिंग का भी इस्तेमाल किया गया है, देख सकते हैं आप। वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन, इसके अलावा विंडो भी इस्तेमाल की गई है जो कि बैक गैलरी पे ओपन होती है, आप देख सकते हैं। प्योर हाइड्रोलिक बनाए गए हैं। फ्लोरिंग चेक करें, किचन की वुडन टेक्सचर के साथ बनाई गई है, देख सकते हैं दोनों किचन्स में सेम है। अब आपको लेके चलते हैं बेडरूम की जानिब। ग्राउंड फ्लोर पर एक बेडरूम मौजूद है। बेडरूम में एंटर होते साथ आप फ्लोरिंग चेक करें, खूबसूरत टेक्सचर के साथ। सीलिंग देखें, खूबसूरत सामने आपको विंडो नज़र आ रही होगी जो कि बैक गैलरी में ओपन होती है। इसमें बेडरूम में आप देख सकते हैं कैबिनेट्स बनाए गए हैं जो कि एज अ काम करते हैं अपने एलसीडी के तौर पे भी लगाई जा सकती है आप सामने। इसके अलावा कैबिनेट्स जो लेडीज़ का सामान होता है उसके लिए भी मौजूद है। मिरर आप देख सकते हैं फुल लेंथ। इसमें भी बेडरूम में कैबिनेट्स इस्तेमाल किए गए हैं, इनके ऊपर स्टिकर मौजूद है जो कि फैमिली शिफ्ट होने के बाद उतार दिया जाएगा, देख सकते हैं प्योर हाइड्रोलिक। इस बेडरूम के साथ अटैच बाथ है, बाथ की जानिब जाते हैं। अगर आप देखें वेंटी लगाई गई है इसके अंदर, वेंटी के साथ मिरर आप देख सकते हैं। इंग्लिश सीट, सीट के साथ ही मुस्लिम शावर आपको नज़र आ रहा होगा। मुस्लिम शावर के साथ ही सीलिंग आप देखें, खूबसूरत किस्म की है, टेक्सचर मौजूद है इसके अंदर बहुत अच्छा किस्म का। टाइलिंग चेक करें, फ्लोरिंग चेक करें, फ्लोरिंग की टाइल खूबसूरत है। इसमें एक शावर मौजूद है, आप देख सकते हैं शावर खूबसूरत किस्म का इस्तेमाल किया गया। चेक करें वेंटी, वेंटी के साथ वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब आपको लेके चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की जानिब। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए हम सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। सीढ़ी चेक करें, ग्रिल खूबसूरत किस्म की इस्तेमाल की गई है। सामने आपको निशेज नज़र आ रही होंगी तीन, जिनमें सीलिंग लाइट इस्तेमाल की गई है। सीलिंग लाइट के अलावा इसके अंदर स्टोन का जो टेक्सचर है, टाइल, स्टोन टाइल जिसको बोला जाता है, वो इस्तेमाल की गई है। टीवी लाउंज फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद है। टीवी लाउंज चेक करें, खूबसूरत डार्क ब्राउन कलर में मौजूद है। सीलिंग देखें, खूबसूरत किस्म के टेक्सचर के साथ मौजूद है। टीवी लाउंज में किचन भी बनाया गया है, ओपन किचन जिसको बोला जाता है, देख सकते हैं आप। इसमें भी हुड मौजूद है, हुड के साथ साथ सिंक चूल्हा जो कि प्योर हाइड्रोलिक है, कैबिनेट्स प्योर हाइड्रोलिक बनाए गए हैं इसके अंदर। फर्स्ट फ्लोर पे तीन बेडरूम मौजूद हैं। चलते हैं बेडरूम नंबर 1 की जानिब।
आप चेक कर सकते हैं सीलिंग, बैक वॉल पे सीलिंग इस्तेमाल की गई है, जो कि देख सकते हैं आप खूबसूरत टेक्सचर के साथ बनाई गई है। वेंटिलेशन के लिए विंडो बनाई गई है तकरीबन 8 फुट वाइड, जो कि बाय स्ट्रीट में ओपन होती है। देख सकते हैं कैबिनेट्स बनाए गए हैं, एलसीडी के लिए जगह मौजूद है, प्योर हाइड्रोलिक अब आपको लेके चलते हैं बेडरूम नंबर 2 की जाने। बेडरूम नंबर 2 में एंटर होते साथ आप फ्लोरिंग चेक करें। फ्लोरिंग के अलावा ये आप सामने एलसीडी की जगह चेक करें, खूबसूरत किस्म की बनाई गई है, कैबिनेट्स मौजूद हैं इसके अंदर। कैबिनेट्स के अलावा सीलिंग का चेक करें, ये पूरे घर से डिफरेंट टेक्सचर में दिया गया है इस बेडरूम में, आप देख सकते हैं। सामने आपको विंडो नज़र आ रही होगी जो कि बैक गैलरी में ओपन होती है। विंडो के साथ साथ इसमें कैबिनेट्स मौजूद हैं जो कि प्योर हाइड्रोलिक हैं। इसमें अटैच बाथ मौजूद है, अटैच बाथ ही जाने में लेके चलते हैं आपको। फ्लोरिंग चेक करें, खूबसूरत तरीन फ्लोरिंग के अलावा यहाँ पे बेसिन इस्तेमाल किया गया है, आज के ज़माने के लिहाज से खूबसूरत तरीन। सीलिंग देखें, रूम से मिलती जुलती टेक्सचर के साथ बनाई गई है, आप देख सकते हैं। इसमें इंग्लिश सीट इस्तेमाल की गई है, इंग्लिश सीट के साथ साथ ये मिरर जो के शावर देख सकते हैं। टाइलिंग चेक करें, तकरीबन 8 फुट हाइट है टाइल्स की और खूबसूरत टेक्सचर के साथ लगाई गई हैं। बेडरूम नंबर 3 की जाने में चलते हैं। बेडरूम नंबर 3 में एंटर होते ज़्यादा फ्लोरिंग चेक करें। फ्लोरिंग के अलावा सीलिंग देखें, ये भी पूरे घर से मुख्तलिफ टेक्सचर के साथ बनाई गई है। सामने आपको विंडो नज़र आ रही होगी वेंटिलेशन के लिए, जो कि बैक गैलरी में ओपन होती है, आप देख सकते हैं। एलसीडी के लिए जगह जो कि तमाम बेडरूम में मौजूद है, ड्रॉज बने हुए हैं इसके अंदर। कैबिनेट्स चेक करें, प्योर हाइड्रोलिक। इसके अलावा इसके साथ अटैच बाथ है जो कि टीवी लाउंज में भी ओपन होता है, आप देख सकते हैं। सामने आपको शावर नज़र आ रहा होगा। टाइल चेक करें शावर के बैक पे जो मौजूद है। फ्लोरिंग चेक करें, इंग्लिश सीट मौजूद है, इंग्लिश सीट के साथ वेंटी चेक करें अगर आप, खूबसूरत किस्म की बनाई गई है। वेंटी के ऊपर मिरर के ऊपर मिरर लाइट है। सीलिंग देखें, ज़बरदस्त किस्म की बनाई गई है। वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर और एग्जॉस्ट फैन मौजूद है। ये बात टीवी लाउंज भी ओपन होता है, आप देख सकते हैं। फ्लोरिंग चेक कर सकते हैं। अब आपको लेके चलते हैं छत की जानब। छत की जानब जाने से पहले आपको लेके चलते हैं टेरेस पे। टेरेस आप देख सकते हैं वुडन टेक्सचर के साथ मौजूद है। टाइल इसकी रेल चेक करें, ज़बरदस्त। एलिवेशन में आप देख सकते हैं, फ्रंट चेक करें इसका, ज़बरदस्त किस्म का बनाया गया। रोड देख सकते हैं, आसपास का इलाका आप चेक कर सकते हैं, डेवलप हो रहा है। अब आपको लेके चलते हैं छत की जानब। छत की जानब जाते हुए आप देख सकते हैं ग्रिल, खूबसूरत किस्म की इस्तेमाल की गई है। ग्रिल के साथ टाइल ब्लैक कलर की। ममटी में हम आ चुके हैं। ममटी आप देख सकते हैं, खूबसूरत खुली छत के जाने चलते हैं। छत पे आप देख सकते हैं ब्रेक टेल मौजूद है, देख सकते हैं। टंकी भी काफ़ी बड़ी टंकी है। आसपास का इलाका आप चेक करें, डेवलप्ड इलाका है, सिटी हाउसिंग झेलम। डी ब्लॉक में घर मौजूद है, क्योंकि इसकी डिमांड जानने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया होगा, आप उस पर रब्ता करके डिमांड जान सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।
और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और मज़ीद घरों की वीडियोस आसानी से मिल सकें। थैंक यू।